हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट 16 बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। आपका बहुत ज्यादा थैंक्स अब तक की सपोर्ट के लिए, थैंक्स अलॉट। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप बहुत माइन्यूटली हमारे वीडियोस देख रहे हैं। हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं, ज्यादातर क्वेरीज जो हैं वो रीसेलर या शॉपकीपर्स की हैं। आज का जो वीडियो है वो भी उन्हीं शॉपकीपर्स और उन्हीं मेकर्स और उन्हीं बायर्स के लिए है जिनको कन्फ्यूजन है। बहुत ही कॉमन टर्म आज की डेट में चल रही है, सिंगल ब्लेड बैट, डबल ब्लेड बैट और ट्रिपल ब्लेड बैट। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये किसके रिगार्डिंग है? मैं ट्राई करूंगा टेक्निकली जो कुछ भी एज अ मेकर हमें लगता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, आप तक शेयर कर सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल ब्लेड बैट की। सिंगल ब्लेड बैट, टेनिस बॉल बैट भी आते हैं और लेदर बॉल बैट भी आते हैं। टाइम के साथ गेम चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से बैट मेकिंग स्किल्स और टेक्निक्स भी चेंज हो रही हैं। पहले एक नॉर्मल साइज की क्लेफ्ट या पीस ऑफ वुड को क्लेफ्ट कहते हैं, उसकी जो डायमेंशन होती थी वो 30 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी, 75 mm मोटी। बड़े आराम से इसमें एक लीगल 40 mm बैट बन जाता था। 40 mm के एज का बैट या उससे हल्का फुल्का कम, 37, 38, 39, 40, ज्यादा से ज्यादा 41 mm तक का बैट सिंगल ब्लेड कहा जाता था। टाइम चेंज हुआ, मैं कुछ सिंगल ब्लेड बैट दिखा दूं। रेड एस का मांबा बैट सिंगल ब्लेड बैट है क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल क्लेफ्ट से बना हुआ है। 40 mm एज है, वेट भी लाइट है, नॉर्मल बैट जो एक लीगल स्पेसिफिकेशन के अंडर आता है वो बनता है। कुछ टाइम से गेम बहुत फास्ट हो गई है, हर किसी को मैसिव बैट्स चाहिए। ऑल दो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 40 mm से ऊपर इलीगल है बैट यूज करना उससे मोटा, बट लोकल लेवल में बहुत ही कंपिटिटिव क्रिकेट हो गई है, स्पेशली टेनिस बॉल क्रिकेट, हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट। तो टाइम के साथ डबल क्लेफ्ट एग्जिस्टेंस में आई। डबल क्लेफ्ट क्या होती है? वो पीस ऑफ वुड जिसकी ओवर डायमेंशंस हैं। ओवर डायमेंशंस मींस 60 mm मोटी, 90 mm यहां से, 5 इंच चौड़ी। मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए तो कोई भी क्लेफ्ट डबल तब कहलाती है जब उसमें कम से कम 45 mm मोटा बैट बने। इस लकड़ी को, इस पीस ऑफ वुड को डबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंगल ब्लेड या सिंगल क्लेफ्ट और डबल क्लेफ्ट में सिंगल क्लेफ्ट से डबल मटेरियल यूज होता है। कहने का मतलब कि अगर एक पीस ऑफ लॉग में 8 सिंगल क्लेफ्टें निकलती हैं तो डबल सिर्फ 4 ही निकलेंगी। डबल माल लग जाता है डबल क्लेफ्ट निकालने में, इसलिए इसके रेट सिंगल से डबल ही होते हैं। ये लकड़ी एग्जिस्टेंस में क्यों आई? 2020 क्रिकेट है, हार्ड टेनिस बॉल है और एक फील आती है मोटे बैटों में। इंटरनेशनल लेवल पे इलीगल है कि आप 40 mm से ऊपर का बैट यूज करें।
बट लोकल लेवल में कोई बंदिश नहीं है। इसका जो वैट बनता है रेड है, इसका धोनी एडिशन डबल क्लेफ्ट से बना हुआ वैट है, नियरली 45 mm थिक, मोटा वैट, मैसिव वैट, लो स्वीट स्पॉट लेदर बॉल वैट है। रेड है इसका डैगर वैट, ये देखिए, फोर एम थिक है ये 54 mm थिक है। ये बनता है डबल क्लेफ्ट में, सिर्फ फील के लिए एक मोटा दिखना बहुत बड़ी बात होती है टेनिस क्रिकेट खेलने वालों के लिए। कोई भी बैट जिसके एजेस 45 mm प्लस हैं उसको डबल ब्लेड बैट ही कहा जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि नॉर्मल जो झगड़ा शॉपकीपर्स, सप्लायर्स और एंड यूजर में ये रहता है कि जी डबल ब्लेड तो जी 50 mm होता है, सिंगल ब्लेड तो जी 40 mm होता है, 42 mm होता है, तो एक टेक्निकल सल्यूशन मैं देना चाहूंगा उन सब के लिए कि कोई भी बैट जिसका एज साइज 40, 41 या उससे कम है वो सिंगल ब्लेड ट्रीट होना चाहिए। कोई भी बैट जिसकी थिकनेस कम से कम 45 mm है, 45 mm से अगर कोई भी बैट की थिकनेस ज्यादा है तो वो डबल ही ट्रीट होगा, वो डबल क्लेफ्ट से ही बनना पॉसिबल है। एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, अपर ब्लेड नहीं आई है। अपर ब्लेड क्या होता है मैं थोड़ा सा उसके लिए भी बता दूं, बहुत से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अब तक जो बैट चल रहे हैं उसका सरफेस फ्लैट है, पर यह है कि हम मेकर्स को सिर्फ अपनी सारी कारीगरी दिखाने के लिए 33.5-35 इंच के टुकड़े में ही सारा कुछ करना पड़ता है, कोई ना कोई चेंज लाने पड़ते हैं अपना माल बेचने के लिए। कुछ चेंज करेंगे तो लग करेंगे तो बिकेगा, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, तो वही फैशन वाला हिसाब है कि भी घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाता है। वो जो भी बैट जिसका सरफेस गोल है, आप नोटिस करोगे इस बैट का सरफेस गोल है, ये देखिए ये गोल है सरफेस। इस गोल सरफेस को आजकल अपर ब्लेड कहा जाता है। अपर ब्लेड आप सिंगल क्लेफ्ट में भी बना सकते हैं, अपर ब्लेड आप डबल क्लेफ्ट में भी बना सकते हैं। पुराने टाइमों में अपर ब्लेड ही नॉर्मल ब्लेड होता था, पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ अपर ब्लेड में सरफेस को गोल करने से यहाँ की थिकनेस कम हो दिखती है, हो नहीं जाती, दिखती कम है, लकड़ी तो उतनी ही लगती है, पर मुझे मोटा और हल्का बैट चाहिए, मुझे मोटा और हल्का बैट चाहिए। धीरे धीरे सब मेकर्स ने ये गोलाई कम करते करते फ्लैट सरफेस अडॉप्ट कर लिए, सो दैट कि इन गोलाइयों के चक्कर में बैट की थिकनेस ना मरे। अब फिर सारी चीजें फ्लैट की तरफ चल रही थी, पर जैसे है कि हाँ भी कुछ चेंज करें, अब दोबारा ट्रेंड में आ गया है अपर ब्लेड। ये नई चीज नहीं है, ये सबसे पुरानी चीज यही है। तो आई एम होपफुल कि टेनिस बैट की ये सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, लेदर बॉल के सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, सारी चीजें मैंने ट्राई की, कंक्लूड कर दूं और थोड़ी सी दुकानदारों की जान सौखी कर सकूं, जिनको वेरी ऑफन कस्टमर्स को समझाना पड़ता है और उन मेकर्स को थोड़ा
थोड़ा सा ईज हो जाएगा उनको समझाना कि क्या डिफरेंस है सिंगल और डबल में। कॉन्टेस्ट 16, लास्ट डेट 22 जुलाई तक आपको इसका आंसर देना है। बहुत ही मजेदार कॉन्टेस्ट। आपको उस टीम का नाम गैस करना है जिसके अगेंस्ट हमारे कैप्टन कूल MS धोनी ने अपना लास्ट वन डे इंटरनेशनल मैच खेला था। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ टीम अगेंस्ट हुम MSD हैज प्लेस्ड हिज लास्ट ODI इंटरनेशनल। लास्ट डेट है 22 जुलाई। जीतने वाले को मिलेगा इस बार रेड डाइस की तरफ से धोनी एडिशन बैट। कैप्टन कूल का 42nd बर्थडे हमने इस वीक सेलिब्रेट किया। आज का वीडियो कैप्टन कूल के लिए। 3 क्राइटेरिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और वीडियो आगे से आगे भेजिए। हमारी हेल्प होगी इसमें। जब वीडियो आप आगे से आगे शेयर करते हैं, हमें बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं और हम ट्राई करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन एज अ मेकर हमारे पास है हम आप तक पहुंचा सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।